महक। अपने कपड़ों को देखो, ये दाग धब्बे, जिसका खुद का स्टाइल इतना बेकार हो, वो इस रेस्टोरेंट को क्या संभालेगा? लेकिन मिस्टर शौरखन, ये रेस्टोरेंट मेरे नाम पे, तो टेक्निकली मैं बॉस हूँ। और हाँ, मेरे स्टाफ मेंबर के सामने मुझसे तमीज से बात करना। कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, सब कुछ स्मूथ और टॉप क्लास जाना चाहिए। श्योर सर। ये नाली के चूहे, ये था तुम्हारा अनहाइजेनिक और घटिया विजन। अब मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। अगर इसी तरह हमेशा ही कुकिंग करती रही आप, तो सारे कुकिंग अवार्ड आपसे वापस ले लेने चाहिए। हम FDA से हैं, आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि आपके रेस्टोरेंट में चूहों का हमला एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश? सिर्फ एक पैसे वाले लड़के से शादी करने से आप में इतनी क्लास नहीं आ जाती कि आप इस जगह को चला सकते। जिनसे आपने इतनी बदतमीजी से बात करी ना सर, वो मेरी वाइफ है। और अब बात आती है कॉन्टेस्ट। तो महक वो कॉन्टेस्ट हारी नहीं थी, बल्कि उसको मैंने हराया अपने पैसे और पावर के दम। क्या आप ये मानेंगे ये नेग्लिजेंस का केस है? व्हाइट चिलीज की टीम की लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है। जी नहीं, ये लापरवाही नहीं, एक गलती थी। नेग्लिजेंस का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम व्हाइट चिलीज में हर टास्क बहुत केयरफुली करते हैं। अगर ये नेग्लिजेंस नहीं था, तब तो ये जरूर आपने जानबूझकर किया होगा। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तो आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि आपके रेस्टोरेंट में चूहों का हमला एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी? जब से आपकी शौर्य खन्ना से शादी हुई है, आप हमेशा न्यूज में रही हैं। कभी अपनी ग्लैमर शादी को लेकर, तो कभी शौर्य खन्ना के साथ अपनी पब्लिक फाइट को लेकर। आपकी हर खबर एक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज रही है। क्या ये इत्तफाक है या फिर? शौर्य, मैं एक को तुम्हारी जरूरत है। आपका काम था हमसे सवाल पूछने का, राइट? पर आपने हम पर इल्जाम लगाए, हमें हमारी कमियां बताई, हमें सजेशंस भी दिए। थैंक यू। अब आप बैठ जाइए। अब तुम भी भरोसा लो मुझ पे शौर्य। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जिनसे आपने इतनी बदतमीजी से बात करी ना सर, वो मेरी वाइफ है। क्या कहा था आपने कि महक ने ये सब कुछ पैसे और पावर के लिए किया है? यही कहा था ना आपने, राइट? अगर महक को पावर और पैसे का इतना शौक होता ना सर, तो ये सब कब का बेच के भाग गई होती। इतनी टेंशन नहीं लेती महक इस जगह को चलाने में। उसने ये सब कुछ सिर्फ मेरे लिए किया। मैनेजर। यस मैम। कितनी बड़ी दुकान पर ये पीएन की नौकरी कर रहे हैं, जरा समझाएं इन शर्मा बंधुओं को, जरा जोश से चाय सर्व करें। ये क्या डीले ढाले मरियल बुड्ढों की तरह सर्व कर रहे हैं। जा। ओके मैम। अरे सुनो, क्या कर रहे हो? एक काम दिया तुम दोनों को, वो भी नहीं होता ढंग से। जोश के साथ काम करो, ये ढीलों की तरह काम नहीं चलेगा यहाँ पे। हेलो मैनेजर साहब, जरा तमीज से बात करो। ये क्या तरीका आपका बात करने का आगे? मुझे तमीज सिखाओगे तो उठा के बाहर फेंकवा दूंगा दोनों को। ओ हेलो, बाहर फेंकेगा तू? आ चल, आ तेरे को मैं बाहर ही रोड दिखाता हूं। आ आ, तू बाहर आ, बाहर निकालेगा ना अभी। बस साथ में लेके चल दे अपने भाई को, समझाना क्या है तुम्हें? बस हो गया भैया बड़ा। ऐसी क्या बातें करनी है निकिता से जो खत्म ही नहीं हो रही है?
हेलो, आप कौन? भाभी, मैं अर्जुन, विक्की का फ्रेंड। विक्की ने बोला है आपके साथ फ्लर्ट करना है, आपके हस्बैंड को जलाने के लिए। DCB 00922, यह है मोहित शर्मा का बैंक अकाउंट नंबर। इस अकाउंट में 1,25,00,000 ट्रांसफर हुए थे मेरे बैंक अकाउंट से। ये सारा पैसा मैंने मोहित को, वो जो ट्रक में स्टॉक है ना, उसके बदले में दिया है। ए, बकवास कर रहा है खन्ना। अगर हमने माल लिया है तो बिल है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं, पेमेंट हो गई, माल डिलीवर हो गया, पर बिल कहाँ है? मैं यहाँ पे बस अपना बिल मांगने आया हूँ इन लोगों, पर ये लोग मुझे बिल देना ही नहीं चाहते, क्योंकि इन लोगों ने टैक्स की चोरी करी है। मुनी अब तक बेहोश है और हम सेफ हैं, लेकिन कब तक सेफ है वो नहीं पता। हमारे पास बस अब एक चांस है, या तो इस मुन्नी को अपनी तरफ कर ले। एक मिनट, तुम कहीं अंदर जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे? अरे तुम पागल हो गई हो? तुम्हारे नाम का वारंट निकला हुआ है, अंदर पुलिस देखेगी तुम्हें गोली मार देगी। गोली तो मैं उससे मार दूंगी तनु, दिमाग खराब कर दिया, बस चलाना तो अंदर गाड़ दूंगी उसे, तुम बस देखती जाओ। मुझे बारिश की खुशबू बहुत बहुत पसंद है। मुझे भी। बारिश, मैंने कहा था ना आज बारिश होगी। वहीं सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना? मैं जानता हूँ आप किए हैं मैंने, वहीं साहब मेरा विश्वास करो, मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया। आओ राव, हमारे देशों की प्रथा भूल गए। हम यहाँ हमारे अपराधी के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखते हैं, ताकि वो ठीक होकर अपनी माफी या सजा दोनों को अच्छे से स्वीकार कर सके। देखो, मैं तुमसे अकेले में मिलने के लिए तैयार हूँ। गुड, सो तुम मुझे होटल ग्रैंड रीजेंसी के रूम नंबर 204 में आके मिलना। ठीक है, आई विल बी देयर। तुम तैयार है ना? वेट फॉर माय कॉल, आई विल मेक श्योर कि इस बार वो पक्का फंस जाए। को इस छोटे से गिफ्ट के लिए मना नहीं कर सकते। ठीक है आंटी। सुरभि की दादी का बहुत मन था कि न्यूयॉर्क में एक रिसेप्शन। कल जो हमारे लोग मंडप सजाने के बहाने आएंगे, वो नरेन को उसके कमरे के बाहर ही किडनैप कर लेंगे। किसी न किसी को तो बेचारी सुरभि का हाथ थामना ही पड़ेगा, और तब काम आएगा तुम्हारा बेटा मयंक। शुक्र है बेटा, तुम्हारे सर से बला तो टले, लेकिन तुम दोनों ने अकेले कैसे किया? अगर कुछ हो जाता तो? निशा पुलिस की कस्टडी में, उसे अब सच बताना पड़ेगा। बस अब पता चल जाए कि वो साया कौन है, कौन है जो निशा की हेल्प कर रहा है। काकू साहब,